नमस्कार, जय जगन्नाथ। सुप्रभात ओडिशा। आज ये भिडियो में आपण को 15 गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जनइबी। जदि भिडियोटी आपण को भल लगे प्लीज लाइक करेंगे, सेयार करेंगे और सब्सक्राइब करने को भूलें नहीं। चलो खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1, पेट्रोल डीजेल पर 40 टंका कमिला घना सोरस तेल दर। महंगा माड़ मध्य देशवासी को मिलला आश्वस्ति कला भली खबर। पेट्रोल डीजेल दर कमिला पर घना सोरस तेल दर कमी। दर दाम नियंत्रण करने लगी केन्द्र सरकार शनिवार दिन एक बड़ निष्पत्ति नहीं। पेट्रोल एवं डीजेल उपरे उत्पादन शुल्क ह्रास करते। पेट्रोल डीजेल उत्पादन शुल्क ह्रास होगापर एवं घना सोरस तेल दर तौक खसी। इंडोनेशिया रप्तानी आरंभ कर घना सोरस तेल दर प्राय 40 टंका कम हो। नंबर 2, सुधहार बढ़ाला स्टेट बैंक जून 1 रु लागू हो। भारतीय स्टेट बैंक पक्ष निजर एक्सटर्नाल बेंचमार्क लेंडिंग रेट वृद्धि कर बैंक पक्ष गृह ऋण ईबीएलआर को 50 बेसिस पॉइंट बा 0.5% वृद्धि कर 7.05% धार्य कर। पूर्वर यह 6.65% थिला। यह सहित रेपो लिंक लेंडिंग रेट 6.65% को वृद्धि कर। पूर्वर यह 6.25% थिला। एसबु सुध सहित क्रेडिट रिस्क प्रीमियम लागू हेबो। भारतीय स्टेट बैंक वेबसाइट रे दिया जाइथिबा सूचना अनुसार आसंता जून 1 रु एही वर्धित सुधहार लागू हेबो। नंबर 3, रेकर्ड संशोधन पर 204 गाँव में हेबो हाईटेक सर्वे। बहु पुराणा सर्वे जो जमी किणाबिका जातिगत प्रमाणपत्र और अन्यान्य समस्यार समाधान पर राज्य सरकार 204 राजस्व गाँव में हाईटेक सर्वे करने को निष्पत्ति। जगत सिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और कलाहांडी जिलार विभिन्न गाँव में राजस्व विभाग पक्ष हाईटेक सर्वे हो शेष थर पर 1929-30 मसीह एसबु गाँव में सर्भे होता। संशोधित जमी जमा हाईटेक सर्भे रेकर्ड नसबु गाँ लोके दीर्घ दिन धरी विभिन्न समस्या सम्मुखीन होती। राजस्व विभाग निष्पत्ति अनुसार जगत सिंहपुर जिलार कुजंग तहसिल 13 ग्राम बीरीडी तहसिल गोटे ग्राम जाजपुर जिला जाजपुर तहसिल 19 ग्राम बिंझारपुर तहसिल 38 ग्राम दानगदी तहसिल 20 ग्राम और सुकिंदा तहसिल 9 ग्राम व्यासनगर तहसिल 1 ग्राम दशरथपुर तहसिल 5 ग्राम केन्द्रापड़ा जिले में राजनगर तहसिल 2 ग्राम कलाहांडी जिला कलाहांडी तहसिल 7 ग्राम केसींगा तहसिल 3 ग्राम करलामुंडा तहसिल 1 ग्राम थुआमूल रामपुर तहसिल 10 ग्राम धर्मगढ़ तहसिल 12 ग्राम गोलमुंडा तहसिल 7 ग्राम जूनागढ़ तहसिल 18 ग्राम कोकसरा तहसिल 6 ग्राम जयपाटना तहसिल 29 ग्राम और कलमपुर तहसिल 3 ग्राम हाईटेक सर्वे हो। यह फल 204 ग्राम समस्त जगार जिओ रेफरेन्सींग हाईटेक सर्भे पर लोक मान बहुविधि समस्या जथा जमीवाड़ी किणाबिका और जातिगत प्रमाणपत्र सम्बन्धी समस्त समस्या दूर होगा सह उन्नत ज्ञानकौशल मध्यम पटा तैयारी हो लोक मिल पार। नंबर 4, दशम परीक्षार्थी अनुपस्थित घटना पर पदक्षेप। स्कूल न आसिले मिलिबोनी साइकिल। मैट्रिक परीक्षा 43,000 छात्र छात्री अनुपस्थित घटना सामना को आसवा पर तनाघना जोर चली। क्योंठ त्रुटि रहा यह नजर रखा जाते संख्यक पिला कहीं अधारू फाट छाड़े क्यों कारण लगी परीक्षा देवाक आसिले ना एने स्कूल तरफ खोलताड़ चलता बेले नवम श्रेणी में नाम लेखा होता 30% छात्र छात्री आदो क्लास करने को आसी ना सामना को आसी। कोरोना काल में किए अन्य जिला को चली जाइए तो आउ किए बाहर राज्य को पलाई कहीं कहीं छात्री बहुत भी करती मात्र से सैकेल बाबद अर्थ हाते। अष्टम रु नवम श्रेणी को उत्तीर्ण होगा क्षण से बैंक आकाउंट को सैकेल बाबद अर्थ दि जाए मात्र से स्कूल कैंपस माड़ी ना सैकेल किनी कि नहीं तार खोज खबर भी मिलना। ए बाबदे मिले अर्थ से कौन कले भी क्या जाना ना साइकिल बाबदे 2600 टंका पाइबा पिला स्कूल आसी नथिबा नै डीओ ठारु रिपोर्ट मिलवा पर गणशिक्षा विभाग चेता पशिचे। एवर्ष निष्पत्ति होइछि जे पिला स्कूल को आसिले ही साइकिल पाइबे नाम लेखे स्कूल आसु नथिले साइकिल बाबद अर्थ प्रदान करा जिवो नै। नंबर 5, आसंता 2 दिन लागि रहइबो काला बैसाखी। आसंता 24 घंटा मध्ये उत्तर और दक्षिण ओडिशा विभिन्न जिले में काला बैसाखी अनुभूत हेबो। यार प्रभाव सामान्य अधिक हेब। यह समय मध्यम धरण वर्षा पवन सांग को बिजुली देखा मिल एने भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर पूर्वानुमान सूचना दि जाए। आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक रे कालबैशाखी प्रभाव देखा मिल। यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशार जिला मानक वर्षा पवन होब जहाँ मध्य बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगत सिंहपुर,
पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति केन्दुझर मयूरभंज ढेंकानाल कंधमाल रायगढ़ कोरापुट जिला रही। किसी जिले प्रबल वर्षा सांग को 40-50 किलोमीटर पवन अनुभूत हो जार प्रभाव 26 तारीख पर्यंत पड़ो। नंबर 6 केन्द्र सरकार पक्ष मे 31 अकाउंट को आसव टा देश में कोटि कोटि कृषकों अर्थावस्था सुधार आणवाई केन्द्र सरकार विभिन्न योजना बाहर करोजनागुड़िक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अन्यतम। यह योजना मध्यम प्रत वर्ष कृषक मान 6000 टंका दि जाए। यह राशि 4 मास व्यवधान में 3टी किस्ती मिलता है। थर के 2000 लेखाएं 3टी किस्ती 6000 टंका कृषक को केन्द्र सरकार जोगाई दे था। एबे सुधा कृषक मानक पीएम किसान योजनार 10टी किस्ती मिल सारे। आगामी किस्ती को कृषक मैंने अपेक्षा कर रही। सूचनार जानवा मिली पीएम किसान योजन 11तम किस्ती 2000 टंका मे 31 तारीख में मिल। नंबर 7 आसीपे करोनार चतुर्थ लहर भारत में ओमिक्रन BA.4 और BA.5 चिन्हट भारत में पुणि थे भयंकर रूप नहीं पारे करोना महामारी। आसीपे चतुर्थ लहर भारत में ओमिक्रन सब यही भारियंट BA.4 और BA.5 चिन्हट होता नहीं स्पष्ट होती। भूताणु देश में 3 जन आक्रांत होती। 3 जन तमिलनाडु जड़े और तेलंगाना 2 जन अच्छा। नंबर 8 हॉस्पिटल रे भर्ती हेले सिद्धु हॉस्पिटल रे भर्ती हेले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धु पटियाला जेल रु तंगु हॉस्पिटल को निया जायछि। जेल रे रोटी डाली खाइबा को मना करबा परे पटियाला राजेंद्र हॉस्पिटल को निया जायछि। सेठारे तंगु मेडिकल चेकअप हेबो बोली खबर मिलिछि। नंबर 9 भारत रे रेल धारणा उड़ाइबा को ISI रो योजना भारत रे बड़ धरणर आतंक खेलैबा को योजना करूछि पाकिस्तान। पंजाबता आखो पाखरे थिबा रेल धारणा उड़ाइ देबा को पाकिस्तान आतंकवादी संगठन ISI योजना करुछि। एने गुइंदा विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। जारी सतर्क सूचन कहा जायछि ISI गुइंदा माने पंजाब एवं तास लागिकि थिबा राज्यगुड़िक विस्फोरण करी रेल धारणा उड़ाइ देबा को योजना करिछन्ति। मालभाई ट्रेन जाउथिबा धारणागुड़ी को विस्फोरण करी उड़ाई देबा को योजना करा जायछि। गुइंदा विभाग पक्षर एक सतर्क सूचना जारी होबा परे चारिआडे हाई अलर्ट करा जायछि। समस्त सेना और पुलिस को अलर्ट रहिबा को कह जा। नंबर 10 भारत समेत 16 देश को यातायात बंद कला साउदी आरब। साउदी आरब पुणी थे मुंड टेकिले करोना दिनक दिन स्थिति गंभीर होता बेले भारत समेत 16 देश को निज नागरिकों यातायात उपर रोक लगे साउदी आरब। यही देश मानक मध्य भारत समेत लेबानन सीरिया तुर्की ईरान अफगानिस्तान सोमालिया इथियोपिया कांगोलिबिया इंडोनेशिया वियतनाम ओमानिया बेलारूस आदि देश सामिल अछि। नंबर 11 भारत विकास रे जापान बड़ अवदान रही कहले मोदी। भारत विकास यात्रा रे जापान एक महत्वपूर्ण योगदान रही। भारत और जापान प्राकृतिक सहयोगी उभय देश मध्य आध्यात्मिकता और सहयोगर बंधन रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। टोकियो ठारे चलिथिबा क्वाड शिखर सम्मेलन रे जोगदेबा को सेठाकु जाइथिला बेले मोदी आज भारतीय संप्रदाय को भेटिछंती। अवसर से कहिछंती जे भारतीय संप्रदाय दुई देश मध्य संपर्क को सुदृढ़ करुछंती। जापान रे भारत को नहीं आसी मध्य स्वामी विवेकानंद जापान गभीर प्रभाव पड़ता। अन्य पक्ष आज विश्व समस्या समाधान पर भगवान बुद्ध प्रदर्शित मार्गर अनुसरण करा उचित बोली से कहते। भारत निजर प्रति नागरिक अधिकार सुरक्षा करुचे। भारत गणतंत्र आहुरी सुदृढ़ होउचि बोली से कहते। नंबर 12 आशा कर्मी मानंकु सम्मानित कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य व्यवस्था सहित जनसाधारण को संजोग करिबा एवं ग्रामीण दारिद्र्य बास करुथिबा लोक स्वास्थ्य सेवा पाइपारे सुनिश्चित करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथिबा आशा को विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिर्देशक ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स स्वीकृति मिली। भारतीय स्वास्थ्य सेवार क्षेत्र में 10 लाख रु अधिक महिला स्वेच्छासेवी अछन्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि जे ग्रामीण दारिद्र्य बास करुथिबा लोके स्वास्थ्य सेवा पाइपारे COVID-19 काल में आशाकर्मी माने सुनिश्चित करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछन्ती। आशा को विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिर्देशक ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड मिलिथिबारु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समस्त आशाकर्मी को अभिनंदन जणाइछन्ती। नंबर 13 भारत ठारु 2 बिलियन मूल्यर मानवीय सहायता पाइला श्रीलंका। कृतज्ञता जणाइले प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे। रविवार दिन संकट विक्षत श्रीलंका भारत ठारु 2 बिलियन मूल्यर मानवीय सहायता पाइबा प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे भारतवासी को कृतज्ञता ज्ञापन करिसंती। चाउल जीवन रक्षाकारी औषध और गुंड दुग्ध आदि नहीं
ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୁଗ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱୀପଦେଶ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଧାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାନିଲ୍ ବିକ୍ରମସିଂହେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡଦୁଧ, ଚାଉଳ ଏବଂ ଔଷଧ ସମେତ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତରୁ 2 ବିଲିୟନ୍ ମୂଲ୍ୟର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା। ନମ୍ବର 14, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧା ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲେ 3 କୋଟି ଶାବକ। ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ। ବିଶ୍ୱର ସମୁଦାୟ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ନଭେମ୍ବରରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଏଠାରୁ ହିଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ ଆସିଥିବା ବେଳେ 3 କୋଟି କଇଁଛ ଶାବକ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇସାରିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 15, ନିରାଶ କଲେ ରୋହିତ, କୋହଲି ଆସିବେନି ବାରବାଟି। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା T20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତଙ୍କ ଛକାମାଡ଼ ସହ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର କମାଲ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମହମ୍ମଦ ସାମି କିମ୍ବା ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଛାଣିତ ବୋଲିଂ ଦେଖିବାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, କାରଣ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଏମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲମ୍ବା IPL ଋତୁ ପରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।